क्लास टेंथ का ही हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से नया टॉपिक लिया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ब्रेन। ओके, तो वहां से हम ये ब्रेन का डायग्राम आप देख रहे हैं, इसके अंदर देखते हैं हम कि जो ब्रेन होता है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अंदर अलग अलग फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है हमारा फोरब्रेन, यहाँ पे है हमारा ये जितना भी हमारा लार्ज पार्ट होता है ब्रेन का, ये सारा का सारा क्या होता है, फोरब्रेन होता है। ओके, यहाँ पे हमारा बीच का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे डायग्राम के अंदर, यहाँ पे जो मैंने मार्क किया हुआ है पिंक कलर से, इस वाले पार्ट को बोलते हैं मिड ब्रेन। ओके, और जितना भी हमारा ये साइड वाला पोर्शन होता है सेंटर का, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है, हमारा हिंड ब्रेन। ओके, तो ये 3 लार्जेस्ट हमारे पार्ट होते हैं ब्रेन के, जिसके अंदर हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन आता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं ह्यूमन ब्रेन के, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं सारे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब यहाँ हम 1 by 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं इसके अंदर कि जो ब्रेन होता है यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के अंदर ये तीनों कौन कौन सी कैटेगरी शो करते हैं, यानी कि जो फोर ब्रेन होता है वो वोलेंट्री एक्शन ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों इनवोलेंट्री के अंदर आते हैं हमारे। ओके, यहाँ पे देखते हैं वोलेंट्री यानी कि सबसे पहला पार्ट देखते हैं फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन के क्या होते हैं, फोर ब्रेन मेनली क्या काम करता है, फोर ब्रेन का काम होता है मेनली थिंकिंग का, यानी कि जो भी चीज हम सोचते हैं समझते हैं तब करते हैं, तो वो काम क्या होता है हमारा मेन थिंकिंग का काम कौन करता है, फोर ब्रेन ही करता है। फोर ब्रेन हमारा 2 कैटेगरीज में होता है, एक तो होता है सेरेब्रम और एक होता है हमारा हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम क्या काम करता है हमारा, सेरेब्रम का काम होता है हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है, तो सेरेब्रम हमने अभी डायग्राम देखा था, डायग्राम के अंदर जितना भी हमारा लार्जेस्ट पार्ट था हमारा, ये देखिए फोर ब्रेन के अंदर जो हमारा सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम जितना भी ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, मैं इसको कलरफुल बना देती हूँ यहाँ से, ये जितना भी पार्ट है, जितना भी ये वाला जितना भी पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट कौन सा होता है, सेरेब्रम का होता है। सेरेब्रम तो यानी कि लार्जेस्ट पार्ट होता है, अभी मैंने आपको शो किया था कि लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारा सेरेब्रम, ये क्या काम करता है, काम इसका होता है सेंस, यानी कि जितने भी हमारे आईज, नोज, ईयर, टंग, ये सारे के सारे जितने भी काम कर रहे हैं वो सारे क्या है, सेंसरी नर्व्स है, यानी कि जितने भी हमारे क्या होते हैं सेंस के थ्रू, यानी कि जितने भी हमारे जो सेंस के थ्रू काम होते हैं वो सब इमोशन, रोना धोना, हंसना, गाना, सब ये क्या है, इमोशंस है, फीलिंग्स, स्पीच, आपको तैयार करना है, अच्छा मुझे कल स्पीच बोलनी है, ठीक है, अच्छा मैम मेरे सुनेगी, मैं कल ये चीज बोलूंगा, तो ये सारी चीजें जो स्पीच देनी होती है, आपको किसी चीज की तैयारी करनी होती है, आने वाले समय के लिए आपको कुछ बोलना होता है, यानी कि जब भी आप थिंकिंग लेवल पे करते हैं, लर्निंग सीखना होता है, सीख के बोलना होता है, ठीक है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स करनी होती है, क्वेश्चंस करने होते हैं, आप एक रीजनेबल चीजें सोचते हैं, तो वो सब काम किसका होता है, सेरेब्रम का होता है, जिसमें आप थिंकिंग लेवल काम करता है आपका। ओके, यहाँ पे क्या होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस आपको रेगुलेट करता है स्लीप को, ठीक है, यानी कि मुझे सुबह से 8 घंटे हो गए हैं काम करते करते, यानी कि सुबह से 8 घंटे हो गए हैं काम करते करते, अब मेरी बॉडी क्या कर रही है, रिलैक्स चाहती है, तो ये आपने सोचा है कि 8 घंटे मुझे प्रॉपर वर्क करते करते हो गए हैं, अब मुझे मेरी बॉडी को नीड है रेस्ट की, तो वो रेस्ट आपको कैसे, वो रेस्ट करने के लिए आपको कौन कह रहा है, आपकी कौन सोच रहा है ये, तो वो कौन काम कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है, यानी कि हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा है स्लीप को, बॉडी के टेम्परेचर को, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, ठीक है, ये सब कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है, आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आप आज भूखा रह लेंगे, आपका माइंड सेट हो जाता है, मान लो कि एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, मुझे आज व्रत रखना है, अगर मैं आज व्रत रखूंगी तो यानी कि मेरा माइंड सेट हो गया है, वहां पे हाइपोथैलेमस ने मुझे बोल दिया कि आप आज व्रत रख रहे हो,
तो यानी कि माइंड सेट हो गया कि आज मैं भूखी भी रह सकती हूँ, यानी कि मैं लंबे समय तक ना भी खाऊं तो चल जाएगा क्योंकि मैं तो व्रत हूँ। यानी कि एक माइंड सेट हो गया है, हाइपोथैलेमस ने बोल दिया है आपको, आपके अंदर एक थिंकिंग आपके अंदर क्रिएट कर दी है कि हाँ भाई आज आप ना भी कुछ खाओ तो चलेगा क्योंकि आप क्या है आज फास्ट है। ओके, बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर से यहाँ पे देखो ये तो है ही सर्दी और गर्मी की तो बात है ही, बॉडी टेम्परेचर से यहाँ पे क्या है कि इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट हार्मोन, यानी कि यहाँ से ये क्या काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मैसेज पहुंचाता है, वहां से एक ग्लैंड सीक्रेट होता है। ये क्या काम करता है, अगर आपको ठंड लग रही है तो आप अपनी बॉडी के अंदर गर्मी पैदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये हम वैसे हार्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है आगे देखते हैं। उसके बाद आता हमारा मिड ब्रेन, मैंने बताया था आपको कि सेंटर के अंदर अभी शो भी करेंगे हम, कि सेंटर के पास हमारा सबसे ऊपर छोटे पोर्शन में हमारा क्या होता है मिड ब्रेन, ये सब काम क्या होता है मिड ब्रेन क्या काम करता है, विजन हियरिंग मोटर कंट्रोल, विजन यानी कि देखना, हेरिंग मतलब सुनना, यानी कि देख के जो भी चीज हम हमारा जो मिड ब्रेन है वो क्या काम कर रहा है, देखने वाला सुनने वाला और जितने भी मोटर एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करना, यानी कि मोटर को कंट्रोल करना, मोटर कंट्रोल यानी कि आंखों के साइज यानी पपिल का साइज बढ़ाना घटाना, हम तेज रोशनी में गए तो पपिल का साइज अपने आप कम हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ओके, हम छांव में गए ठीक है वहां पे हमारे पपिल का साइज क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, तो साइज का घटाना बढ़ाना यानी कि मोटर कंट्रोल कौन करता है मिड ब्रेन ही करता है, यानी कि आपकी सुनने की कितनी क्षमता है, आप बहुत तेज आवाज आ रही है आप कान बंद कर लेते हैं, क्यों कर रहे हैं कान बंद, क्योंकि मिड ब्रेन आपको मैसेज दे रहा है कि बहुत तेज आवाज है आपके कानों के लिए सुटेबल नहीं है, आपके ईयर ड्रम के लिए सुटेबल नहीं है, कानों में इतनी आवाज जानी सही नहीं है, कानों को बंद कर लीजिए। ओके, विजन आप ज्यादा सनलाइट में नहीं देख सकते, ये रिफ्लेक्शन आपकी आंखों पे ज्यादा पड़ रहा है, तो ये कौन बता रहा है सबके सब, ये सब बता रहा है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यानी कि हेल्प करता है एक तरह से कंट्रोल करने का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंड ब्रेन के, हिंड ब्रेन का क्या काम होता है आपका यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो हम शो कर रहे हैं ये वाला जो पार्ट होता है मिड ब्रेन का, किसका होता है मिड ब्रेन का होता है। ओके, ये मिड ब्रेन है, जितने मैंने अभी चीजें बताई कि विजन करना या सब चीजें किसका काम होता है मिड ब्रेन का होता है। ओके, तो लास्ट पार्ट में हम चलते हैं जिसमें हम हिंड ब्रेन की बात करेंगे, तो पहले मैं शो कर देती हूँ उसके बाद आपको बताऊंगी पॉन्स। एक तो पॉन्स होता है यानी कि ये वाला हिस्सा जो उसको बोलते हैं पॉन्स, यहाँ पे नीचे की साइड आपका मेंडुलम प्रेजेंट रहता है और सेरेब्रम यानी कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कौन सा पार्ट होता है आपका, सेरेब्रम का पार्ट होता है ठीक है, बेल से इसको समझ सकते हैं, बेल यानी कि सेरेब्रम यानी कि आपको एक्टिव रखता है एक तरह से बेल बजाता है ठीक है, तो यानी कि सेरेब्रम ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, क्लियर है बात। यहाँ पे आपकी जो ये ग्लैंड दिख रही है इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और स्कल को हम दूसरा नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं कैलियम। ओके, तो यहाँ पे हिंड ब्रेन की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हिंड ब्रेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हिंड ब्रेन के तीन पार्ट है जो मैंने अभी शो किए थे आपको, सेरेब्रम पॉन्स और मेडुला। सबसे पहले हम सेरेब्रम की बात करते हैं जिसमें मेन काम क्या होता है पोस्चर ऑफ बैलेंस, पोस्चर ऑफ बैलेंस क्या है, मैं सीधी खड़ी हो जाऊं, चौक को सीधा पकड़ूं, इस तरीके से पढ़ाऊं ठीक है, मैं कॉपी में कैसे लिख रही हूँ सीधा, अच्छा मुझे पेन को सीधा पकड़ना है, हाथ को सीधा करना है, अपनी बॉडी को सीधा रखना है, राइट देखना है लेफ्ट देखना है, ये सब काम कौन बता रहा है, ये सब काम सेरेब्रम बता रहा है, यानी कि ये मेंटेन कर रहा है पोस्चर को बैलेंस कर रहा है। ओके, दूसरा आता है हमारा पार्ट पॉन्स, पॉन्स क्या काम करते हैं, ब्रेथिंग रिदम, ब्रेथिंग रिदम यानी कि सांस लेना छोड़ना, ये हमें क्या है, ये हमको सोचे समझे छोड़ना कि हम अच्छा सांस ले लें अच्छा सांस छोड़ना, ये इनवॉलंटरी हो रहा है, ये अचानक से हो रहा है अपने आप से हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि पॉन्स क्या करता है, जो हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये हम कर रहे हैं
पॉम्स की वजह से हो रहा है कि कब ले रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये सब काम किसका है? पॉम्स का है। थर्ड है इसमें मेडुला। मेडुला का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, स्नीजिंग, कफिंग। अब देखो हम छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, ये क्या सोचे खांस रहे हैं कि चलो खांस लेता हूँ, चलो छींक लेता हूँ, नहीं ना, या डाइजेस्ट, चलो अब डाइजेस्ट कर लेता हूँ, नहीं, ये काम अपने आप से हो रहे हैं, इनवॉलेंट्री हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, छींकना, खांसना, ये सब क्या है? ये सब अपने आप से हो रहे हैं, और वो करने वाला कौन है? मेंडुला है। ओके okay?